नमस्कार साथियों, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड जो लाइफ लाइन है, राजमार्ग 107 पर तरसाली के पास 100 मीटर पहाड़ी का हिस्सा टूटने से सड़क मार्ग ध्वस्त हो चुका है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बोर्डरों के नीचे कार दबी होने की संभावना है। यातायात पूर्ण तरह से बाधित है। यहाँ पे मार्ग खुलने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग तरसाली के पास पहाड़ी से लैंडस्लाइड होने के कारण 100 मीटर से भी ज्यादा सड़क का हिस्सा वॉश आउट हो गया है, जिसके कारण केदार घाटी का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। तो वहीं केदारनाथ यात्रा से लेकर आम जनमानस इस मार्ग से बाधित होने से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है। तो वहीं जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन ने केदारनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि जो यात्री जहाँ पर हैं वहीं पर कुछ दिन तक वहीं पर रहे। केदारनाथ मार्ग कई स्थानों पर जीर्ण हो गया है और बार बार टूट रहा है, ऐसे में यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है। मार्ग बनने में 2-3 दिन का समय लग सकता है, इसलिए जनपद पुलिस द्वारा तीर्थ यात्रियों को रोका जा रहा है कि वे केदारनाथ की ओर न जाएं, क्योंकि सड़क मार्ग पूर्ण क्षतिग्रस्त होने के कारण आवाजाही पूर्ण रूप से बंद है। 2 दिन पहले ही सड़क मार्ग हमेरे के पास 2 दिन तक मार्ग लोगों ने, लेकिन ये यहाँ पे पूरी रोड साफ हो चुकी है। पूरा पहाड़ ऊपर से टूट चुका है और पहाड़ टूट के नीचे नाले में आ गया है, जो बरसाती नाला काफ़ी तेज बहता है और इसमें ये झील बन गई है। और अभी बता रहे हैं अभी कि 1-2 गाड़ी दबने की संभावना है इसमें अभी। हाँ, कुछ सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि यहाँ पे गाड़ियाँ दबी हुई हो सकती हैं। दोस्तों, थोड़ा रिस्क है लेकिन 2-3 दिन में खुल जाएगा। आप लोग कोई भी रिस्क न लें, जहाँ पे रुके हैं वहीं पे रह जाएं। अभी हम खड़े हैं फाटा और बड़ासू गाँव के बीच में गविनी नामक स्थान पर, और ये गविनी जो स्थान है यहाँ पर बीच सड़क पर झरना गिरता था, और ये जहाँ पे झरना गिर रहा है यहाँ से देख, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, यहाँ से ये लगभग 100 मीटर के एरिया में पूरी रोड टूटी हुई है पूरी तरह, और संभावना ये भी जताई जा रही है कि यहाँ शायद एक गाड़ी दबी हुई है। ये है यहाँ का लोकेशन, और यहाँ ये टूट के मालवा सारा नदी में चला गया है और यहाँ पर भी एक झील बन गई है पूरी तरह। ये है यहाँ का लोकेशन, ये यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ झरना गिरा है और यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा टूटा हुआ। ये फाटा के आगे तरसाली में ये 100 मीटर हिस्सा टूटा हुआ है रोड के किनारे, जिसमें कि अभी मौके पे जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी महोदय साथ में तहसीलदार महोदय उठीमठ, निरीक्षक पटवारी जी, DDRF टीम, जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर मौजूद है। ये फाटा के आगे तरसाली में ये 100 मीटर हिस्सा टूटा हुआ है रोड के किनारे, जिसमें कि अभी मौके पे जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी महोदय साथ में तहसीलदार महोदय उठीमठ, निरीक्षक पटवारी जी, DDRF टीम, जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर मौजूद है। ये फाटा के आगे तरसाली में ये 100 मीटर हिस्सा टूटा हुआ है रोड के किनारे, जिसमें कि अभी मौके पे जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी महोदय साथ में तहसीलदार महोदय उठीमठ, निरीक्षक पटवारी जी, DDRF टीम, जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर मौजूद है।